Assalamu alaikum mere dosto, this is ZKG Karne, welcome to my YouTube channel ZKG Vlogs. Okay, nahi nahi ruk jao, baat karne se pehle main wo kya aata hu, wo matlab jo apan hote hain magic ke saath. So, ab ho gaye hum bilkul ready. Hey guys, this is ZKG Karne, welcome to my YouTube channel ZKG Vlogs. कपड़े चेंज किए मैंने उस वजह से क्योंकि वो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहे थे और उस टाइम में जिम भी चला गया था, तो मैंने बोला जिम आने के बाद मैं ये वीडियो शूट करता हूँ क्योंकि बात कुछ ऐसी अहम है कि आपको इत्मीनान से समझानी पड़ेगी ये बात, ठीक है ना. बहुत ही अहम और सेंसिटिव टॉपिक है ये, क्योंकि मेरे दिल को अंदर से आवाज़ आई कि भाई इस बारे में आपको बोलना चाहिए. हालाँकि देर हो चुकी है मुझे, चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा बात घुमाऊँगा नहीं. आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान का सिंध का एक मशहूर शख्सियत जो सिंगर था, जिसकी आवाज़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क में और बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सिंगर था, जिसका नाम था अलन फ़कीर, जो सूफी कलाम गाता था, गाने गाता था और उसकी आवाज़ दिलों में घर कर गई थी. बहुत ही लेजेंड माना जाता है पाकिस्तान में, अलन फ़कीर का नाम ही काफ़ी है. और ताहयात थे, उन्होंने अपना नाम मनवाया और बहुत ही अवार्ड हासिल किए. पीटीवी में वो गाने लगे और परफॉर्म करने लगे, तो उस दौरान उनका एक गाना बहुत ही हिट और पब्लिसिटी के पीक पर पहुंच गया. वो गाना था ये, उसका टाइटल था ये तॾहिं मिलंदासीं. सिंधी गाना था, सिंधी लैंग्वेज में गाना था, तॾहिं मिलंदासीं. आप देखो, ज़्यादा वर्ड में आपको नहीं बताओ, आप खुद ही सुनो, आप लोगों को पता होगा ये गाना बहुत ही फेमस है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. सुना आप लोगों ने ये गाना, सुन के अच्छा भी लगा होगा, मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि जब सुनो तब ये गाना अच्छा लगता है. ऐसा भी नहीं है कि एक दफ़ा सुनो बोर हो जाओ, क्योंकि लेजेंड ऐसे ही गाने, ऐसे ही कलाम, ऐसी चीज़ें बनाते हैं इस इंडस्ट्री में कि वो जब और कहाँ और कहीं भी सुना जाए वो दिल को पसंद आता है और अच्छा लगता है ना. ज़्यादा खींच के तो नहीं बोल रहा. ये गाना आपने नोट किया, इसका टाइटल था तॾहिं मिलंदासीं. कुछ सालों बाद अलन फ़कीर के गाने का तॾहिं मिलंदासीं सॉन्ग का रीमेक बनाया गया, जिसका उन्वान था कदे मिलंदासीं, ठीक है. और परफॉर्म किया इसको आबिद ब्रोही ने, और उसका यूट्यूब पे जब मैंने उसकी वीडियो देखी कुछ सालों पहले की बात है, तो लिखा हुआ था फर्स्ट सिंधी रैपर, ठीक है. सिंधी रैपर के बारे में ये आप नोट कर लो, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ. पहली बात तो ये है कि जो रियल सॉन्ग था वो था तॾहिं मिलंदासीं. आप सुन लो, अब जो आबिद ब्रोही ने गाना परफॉर्म किया है उसका उन्वान कुछ ऐसा है कि कॾहिं मिलंदासीं, ये भी सुन लो आप. कॾहिं मिलंदासीं, तो इस गाने का मुझे सिस्टम समझ ही नहीं आया कि भैया इस गाने में तॾहिं मिलंदासीं या कॾहिं मिलंदासीं, या शायरी का बिल्कुल खाना ख़राब कर दिया शायरी का. अपनी तरफ से क्रिएटिव माइंड बहुत हाई लेवल पे चला गया था आबिद ब्रोही के जो एडिटर थे जिन्होंने ये शायरी लिखी. बात मुझे समझ नहीं आई है क्योंकि ये गाना कुछ मैं, मुझे कुछ नहीं है कि मैं बोलूं, पर मैं जब भी ये गाना अलन फ़कीर साहब का ये गाना सुनता हूँ, द लेजेंड अलन फ़कीर साहब का जब ये गाना मैं सुनता हूँ तो दिल को सुकून मिलता है. फिर जब मैं इसका रीमेक देखता हूँ कदे मिलंदासीं, मुझे बात समझ नहीं आती कि भैया इसका मकसद क्या था. आप लोगों को समझ आई तो आप मुझे बताओ. और दूसरी बात ये कि इसमें लिखा गया था फर्स्ट सिंधी रैपर. सिंधी रैपर का मतलब कि वो सिंधी लैंग्वेज में रैपिंग करे और रैप सॉन्ग गाए, बिल्कुल अच्छी बात है. मैंने भी एक परफॉर्म किया है तो उसमें सिंधी तो होनी चाहिए ना. आप सुनो सिंधी रैपर का, फर्स्ट सिंधी रैपर का फर्स्ट सॉन्ग सुनो. यार भी तू आई, दिलदार भी तू आई, मुझे जन जानी आई, मुझे था खर उन्हें मखण जिन्हें झटपट मजे वार पट जिन्हें लड़कणो उन्हें मां करो जिन्हें हैदराबादी उन्हें नरमादी. हां सुना आपने, अगर ये आप लोगों को किसी भी अंदाज से हिंदी लैंग्वेज लगती है तो मुझे बताओ, मैं गलत हूँ, मैं माजरत करता हूँ तहे दिल से. और अगर आपको समझ आ गई कि ये सिंधी अल्फाज नहीं है या कोई अदर लैंग्वेज है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. रीमेक सॉन्ग बहुत ही अच्छा चला इनका, इनको व्यूज मिले यूट्यूब पे, मैं भी इनको कांग्रेस करता हूँ कि इनका गाना अच्छा चला. पर जो लिखा हुआ है फर्स्ट सिंधी रैपर, मुझे मसला उससे है
क्योंकि इसमें सिंधी तो मुझे समझ नहीं आई कि सिंधी है या सिंधी नहीं है। आप लोगों को अगर समझ आई तो आप मुझे बताओ, नहीं आई ना तो ये मैटर आप लोगों से बात करना था, क्या नाम देते हो। फिर बंदा YouTube पे क्लिक करता है टाइटल पढ़ के, तो ऑब्वियसली उसको व्यूज़ मिल जाते हैं। तो ये ट्रिक थी कोई व्यूज़ हासिल करने की, शायद ये मुझे लगता है। कीप इट अप आबिद ब्रोही, मैंने भी कुछ सीख लिया आपसे, मास्टर हो आप, मास्टर हो, मास्टर हो। गुड म्यूजिक, ग्रेट रैपिंग और सिंधी रैपिंग,